ब्यास दे विच पैंदे पिंड जलाल उस्मा दे विच एक पति ने अपनी ही पत्नी नू खत्म कर दिता। ये कोई पहली दफा नहीं जदों उसने अपनी पत्नी नू खत्म किया होवे, सगो ही उसका दूसरा ब्याह सी अते पहली पत्नी की मौत का जिम्मेवार भी ऐसे पति नू दस्या जा रहा है। इन्ना ही नहीं सगो लाश नू उसने गोहे वाली रेहड़ी दे विच ढक के रख दिता। बाहर किते वह सुट्टन ही जा रहा सी पर मौके ते उस कुड़ी की माँ घर पहुँच गई, यानी कि इस बंदे की सस जिवें ही घर दे विच पहुंची तां उसने अपनी कुड़ी दे बारे पुछना शुरू कर दिता। पर इस व्यक्ति ने कहा कि मैनू नहीं पता अते भजण दी फिराक दे विच सी इह व्यक्ति, पर पूरे पिंड वालियां ने मिलके किवें इस दा पर्दाफाश कीता आओ जानदे हां। मृतक लड़की की पहचान मनदीप कौर दे वजो हुई है, जिसनों उसके ही पति जिसका नाम कैप्टन सिंह है उसके वलों गोहे वाली रेहड़ी दे विच दबा के खत्म कर दिता गया। दस दे कि यह कतल रोज़ रोज़ हुंदे लड़ाई झगड़े तो बाद होया, घरेलू कलेश तो बाद ही दस्या जा रहा है कि इस व्यक्ति दे वलों अजिहा कीता गया। दरअसल इस व्यक्ति का पहला व्याह होया होया सी पर इसने फिर भी दूसरा व्याह करवा लिया। पहली पत्नी बारे दसे बिना ही इसके वलों दूजा व्याह करवाया गया, जिवें कि इसकी सस के वलों इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने वलों दसिया गया कि इसने अपनी पहली पत्नी नू भी खत्म कर दिता, जिससे कि दो बच्चे भी सी, ते दूसरा उसने मेरी धी नू भी नहीं बख्शिया। जदों उन्हां दी धी नू पता लग्या कि उसके पति का विआह पहला होया होया तां दोहां दा तलाक भी हो चुकिया सी, पर कुछ समय बाद ही इस पति दे वलों अपनी पत्नी नू अपनी गल्लां दे विच फसाया गया अते एक बार मुड़ तों अपने घर दे विच रहण दे लई मजबूर कीता गया। पर फिर भी नित दिन दे कलेश तों तंग आके उस पत्नी दे वलों अपनी माँ नू सब कुछ दस्या जांदा सी। लड़की दी माता ने इस मौके ते दस्या कि इन्हां दोहां जीहां दा पहलां वी झगड़ा चलदा सी, जिस कारण लड़की पहलां घर छड्ड के चली गई सी, पर उन्होंने वालों समझा के लड़की नू मुड़ उसके सोरे घर भेज दिता गया। इस तरह ही हुण भी मनदीप अते कैप्टन दा आपस दे विच झगड़ा होया सी, जिसकी खबर लड़की दे पेके परिवार नू बीते दिनां दे विच मिली सी। लड़की दे परिवार वाले अगले दिन सवेरे मनदीप दे सोरे घर पहुंचे तां मनदीप उत्थे नहीं सी, जिस तो बाद उन्हां नू शक होना शुरू होया। उन्होंने पुलिस नू इस सारे मामले की जानकारी दी अते पुलिस दे पहुंचण ते पता लगा कि मनदीप की मौत हो चुकी है। यह सुन के परिवारिक मैंबर हैरान रह गए। उसका पति कैप्टन उसनू गोहे वाली रेहड़ी दे विच लुको के किते सुट्टण ही चलिया सी, पर मौके ते उसकी सस पहुँच गई। पुलिस के आउण की खबर सुन के कैप्टन सिंह मौके तो फरार हो गया, जिसनों के पिंड वालियां दी मदद दे नाल ही पुलिस ने भी फड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने उकत मुलजम नू काबू कर लिया ते उसने मन्या कि वह मृतक मनदीप दी लाश नू टिकाने लगाउण चलिया सी, पर उसके पेके परिवार ते आउण दे कारण वह अजिहा नहीं कर सकिया। पुलिस ने कैप्टन सिंह दे विरुद्ध 302 दा परचा दर्ज कर लिया अते अगली कार्रवाई पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट आउण तो बाद कीती जावेगी। ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਉਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਈ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਆ। लड़की है मनदीप कौर, वह जलाल उस्मा उसकी मदर वालों कंप्लेंट आई थी कि जलाल विखे वो जी बेटी रह रही है अपने हसबेंड के नाल, तो वो जी है अक्सर लड़ाई झगड़ा उन्हों का आपस चलता रहिंदा। वो लड़ाई झगड़े करके कई बार वो जी उन्हों की बेटी अपने को आ जाती सी, फिर वो समझा बुझा के चली जाती सी। कल भी उन्होंने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो इतने आए उन्होंने देखा कि वह हसबेंड तो उन्होंने बेटी आपस लड़ते थे, इन्होंने समझा बुझा के चले गए। रात को सवेरे फिर उन्हों की माता आई है इतने पिंड
पिंड च उन्हें आके देखिया तो उन्होंने अपने जवाई को पूछा भी साड़ी बेटी मनदीप कित्थे है। तो उन्होंने मुताबक जो उन्होंने बयान लिखाया पुलिस को मुताबक उन्हें कोई तसली बख्श जवाब नहीं दिता तो आनाकानी करता रहा तो अग बचा के उन्हें भजन की कोशिश की। तो इन्होंने शक पिया भी साड़ी बेटी उत्थे घर दे विच किते भी मिली नहीं और ना मिलन करके इन्होंने मुताबक जो इन्होंने कंप्लेंट दी भी सानू यकीन है भी साड़ी कुड़ी नूं इन्हें जरूर मार के खपा दिता है। तो इस करके जी बनती कार्रवाई वास्ते पुलिस ने उन्हें अप्रोच किया। जो पुलिस ने अप्रोच किया तो इमीजिएटली पुलिस हरकत में आई है। हरकत में आ के तो माता के बयान के उत्ते परचा दर्ज करने बाद असी अपन टीम जड़िया इमीजिएटली रवाना कर दतिया ताकि दोषी जड़ा कानून की पकड़ तो दूर ना जा सके। परचा दर्ज करने बाद पिंड वाले ने बड़ी मदद की और पिंड वाले की मदद के नाल उस दोषी को जड़ा गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने तो बाद ही दोषी को पूरी पूछगिछ की गई है कि दस बई तू तेरी घरवाली जी मनदीप कौर कित्थे है। तो वह अपनी पूछगिछ च मनिया कि मैं अपनी घरवाली जरा मौत के घाट उतार दिता है और लाश में मैं टिकाने लगाना सगा पर यदि माँ जी मौके पर आ गई तो मैं डर के उतों खिसक गया। उस तो बाद दोषी को लिया के ना लैके आए हैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नाल लगवाया है और दोषी की निशानदेही के उत्ते लड़की की जी लाश है वो घरों जी एक रूढ़ी के थले दबाई हुई थी उतों बरामद जी कर ली गई है। मामले ये जी 302-201 का अपना परचा जो दर्ज किया जाए। जो हूँ तक तफ्तीश हैगी देखो वे जड़ा असली जड़ा टाइम है वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ही सानू जाहिर होएगा और किस तरीके मारिया ये भी जड़ा असली चीज़ है वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नाल ही सामने आएगी और हजे तक की जी तफ्तीश है वो इन्नी गल स्पष्ट है भी इन का घरेलू रंजिश घरेलू झगड़ा ही इसकी जी है वजह हैगी। नहीं वो अजे फाइंड आउट करना बाकी है जी यदा कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगी है कि नहीं वो अभी फाइंड आउट करना जी 302-201 का अपना परचा जो दर्ज किया जाए। जी 302-201 का अपना परचा जो दर्ज किया जाए। ये जो हूँ तक तफ्तीश हैगी देखो वे जड़ा असली जड़ा टाइम है वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ही सानू जाहिर होएगा और किस तरीके मारिया ये भी जड़ा असली चीज़ है वह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नाल ही सामने आएगी और हजे तक की जी तफ्तीश है वो इन्नी गल स्पष्ट है भी इन का घरेलू रंजिश घरेलू झगड़ा ही इसकी जी है वजह हैगी। नहीं वो अजे फाइंड आउट करना बाकी है जी यदा कोई पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगी है कि नहीं वो अभी फाइंड आउट करना।